नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल EBD पाठशाला पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो है आंसर की 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपको आंसर की में मिलाने के बाद आपको कितने मार्क्स आना चाहिए कि आप जो है PET के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, उसका डिस्कस करेंगे हम लोग। हर एक जोन का डिस्कस करेंगे, वो भी पूरा एनालिसिस के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि किस जोन में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। यदि आंसर की में आप चेक कर लिए और आपका आंसर की आने के बाद यदि इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप जो है पीटी के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। हर एक जोन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कटअप जो है दोस्तों इन सब बातों पे निर्भर करता है कि निगेटिव मार्किंग्स, यानी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो 50 से 60 क्वेश्चन बनाने के बाद जो है उनको लगता है एग्जाम में कि उनका जो है सिलेक्शन नहीं होगा, 85 क्वेश्चन मेरा बन रहा है, तो एक्स्ट्रा 30 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं, चाहे 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर देते हैं। तो उसमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने के बाद आपका लक बाई चांस कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसके कारण से आप निगेटिव मार्किंग खा जाते हैं। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर। और दूसरा देख लें तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा पूछेंगे। इसका मतलब है कि क्वेश्चन का लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड था। इस दोस्तों क्वेश्चन जो है हार्ड इजी नहीं था कि हर बार की भांति जो पिछले बार परंपरागत क्वेश्चन पूछे जा रहे थे ग्रुप डी में, वैसे क्वेश्चन ग्रुप डी में नहीं पूछे गए थे। इसमें जो है क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू हार्ड था और सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल थे। नेक्स्ट है कि आपका जो है टॉपर्स जो हैं वो एवरेज अटेम्प्ट, जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो 60 से 65 क्वेश्चन ही एक्यूरेट करेक्ट अटेम्प्ट कर पाए हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का यही स्थिति है कि वो 60 से 70 के बीच में ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो इनसे ज़्यादा जो है आप टॉपर का जो है मार्क्स आप नहीं सोच सकते हैं। और बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, जिसके कारण से अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग क्वेश्चन का लेवल ऑफ वेरिएशन डिपेंड करता है, उसके कारण आपको नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा तो मार्क्स ऊपर नीचे होगा। तो इन सब बातों पे डिपेंड करता है। और साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर रखता है कि आपका जो है अटेंडेंस जो इस बार ऑफिशियली डेटा जारी किया गया था, 60 से 65% के बीच ही लोग प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम में, और कुल मिला के जो फॉर्म भरे गए थे 1.8 करोड़, जबकि प्रेजेंट हुए हैं मात्र 1.2 करोड़ ही प्रेजेंट हुए हैं, 1.25 करोड़ प्रेजेंट हुए एग्जाम में। तो ये आपका बहुत बड़ा मैटर रखता है। एक सीट पर फाइटिंग आपको बहुत मार्जिन ला देता है। पहले एक सीट पर फाइटिंग 1/ जितना सीट था 62,000 बटे 1.8 करोड़ से डिवाइड करना पड़ता है, तो वहीं आप सोच सकते हैं कि 62,000 को मात्र 1.2 करोड़ से डिवाइड करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी बहुत बड़ा मार्जिन साबित करता है। तो इन सब बातों को एनालिसिस करते हुए, और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि मेरा सर इतना मार्क्स आ रहे हैं, मैंने इतना अटेम्प्ट्स किए हैं, इतना सही होने की संभावना है, इन सारी बातों को मैं एनालिसिस करके ये कटअप बनाने जा रहा हूँ हर एक जोन का। तो जोन वाइज आप कटअप देख लीजिए, और यदि आपको आंसर किए आने के बाद इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप जो है PET के लिए सेलेक्ट हो जाइएगा, और आप प्रिपरेशन जारी रखें PET का। ऐसा नहीं कि आप PET 2-4 दिन में क्लियर कर लीजिएगा, तो इसलिए PET का प्रिपरेशन आप जारी रखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक्सपेक्टेड कटअप की। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं RRB भोपाल का। तो RRB भोपाल में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपका थी 3522 वैकेंसी थी। तो इसमें RRB भोपाल में जनरल का जो कटअप रहने की संभावना है वो 58 के आसपास रहने की संभावना है, 58 मार्क्स के। OBC का 55, SC का 51 और ST का 46, और फिजिकल हैंडीकेप्ट और एक सर्विसमैन का 40 से 45 के बीच रहने वाला। दोस्तों ये मैं जो बता रहा हूँ आपका नॉर्मलाइज मार्क्स होने के बाद आपको इतने आ जाना चाहिए, तब आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ये नॉर्मलाइज होने के बाद जो है मार्क्स वो आपका बताया जा रहा है। तो ये था आपका RRB भोपाल में कितना कट ऑफ जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी का। और दोस्तों इसमें जो है 1-2 मार्क्स आप आगे पीछे कर सकते हैं, 1-2 मार्क्स से ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं रहने जा रहा है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं आपका RRB अजमेर। तो RRB अजमेर में जो है दोस्तों टोटल नंबर वैकेंसी है 4755, और 4755 वैकेंसी है। तो इसमें जनरल का जो है कटअप रहने की संभावना है वो 54 रहने की संभावना है, OBC 51, फिजिकल हैंडीकेप्ट और एक्स सर्विसमैन 39 से 43 के बीच, SC 48 और ST 46 रहने की संभावना है। दोस्तों इसमें आप, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि 1-2 मार्क्स से ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, ये आपका एक्यूरेट है। यदि इसके आसपास आपके RRB अजमेर में मार्क्स आ रहे हैं तो आप PET के लिए प्रिपरेशन करें, आपका जो है PET में सिलेक्शन हो जाएगा। आंसर की आता है उसमें आप अपना मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। आंसर की जो है आपका 1 से 6 जनवरी के बीच रिलीज कर दिया जाएगा। अगला है दोस्तों RRB गुवाहाटी। RRB गुवाहाटी में टोटल नंबर वैकेंसी है 2780, और इसमें जनरल का कटअप जाने की संभावना है 57,
ओबीसी 55, एसटी 52 और एसटी 48 और फिजिकल हैंडीकेप और एक्स सर्विसमैन का 42 टू 45 के बीच में रहने की संभावना है। अब हम लोग नेक्स्ट जोन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जोन है आपका दोस्तों आरआरबी मुंबई। तो आरआरबी मुंबई में जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 4625 और इसमें जनरल के कटअप की बात करें तो जनरल का 54, ओबीसी का 51, एससी का 48, एसटी का 45 और फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन का 36 से 40 के बीच रहने की संभावना है। दोस्तों ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो आपको मार्क्स बताए जा रहे हैं ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। नॉर्मलाइज होने के बाद आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका जो है सिलेक्शन पीटी के लिए हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और जान लें, आपको पीटी में आपको 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। पहले ऑफिशियल डेटा में 2 गुना लोगों को बुलाया जाना था लेकिन बाद में इसको 3 गुना कर दिया गया है, तो जिसके कारण से आपका इसका भी इफेक्ट आपको कट ऑफ पे पड़ने जा वाला है। क्योंकि दोस्तों पहले जो है आपका मात्र 1,20,000 को बुलाने जाना था तो अब जो है 1,80,000 को बुलाने जाना है, तो आप समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। अब हम लोग आगे नेक्स्ट जोन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जोन है आपका आरआरबी रांची। आरआरबी रांची में टोटल नंबर वैकेंसी है 2525 और इसमें जनरल की कटअप की बात करें तो ये 55 के आसपास रहने जा रहा है, ओबीसी का 53, एससी का 50 और एसटी का 47 के आसपास रहने जा रहा है। और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की बात कर ले तो इसमें उनका जो है 40 से 45 के बीच रहने जा रहा है। ये आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स बताया जा रहा है। आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट जोन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जोन है आपका आरआरबी अहमदाबाद। तो आरआरबी अहमदाबाद में टोटल नंबर वैकेंसी है 6087, तो 6087 है और इसमें आपका 3 गुना लोगों का सिलेक्शन किया जाना है। तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आरआरबी अहमदाबाद में 18,261 व्यक्तियों का सिलेक्शन होगा और 261 इतना में आपका जो है देखा जाए तो जनरल का अगर नॉर्मलाइज मार्क्स आपका 55 आ रहा है तो आपका आरआरबी अहमदाबाद में सिलेक्शन हो जाएगा पीटी के लिए। ओबीसी में आपका जो 53 आ रहा है के आसपास आ रहा है तो आपका जो है आरआरबी अहमदाबाद में सिलेक्शन हो जाएगा। एससी का 50 और एसटी का 47 और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन का 42 के आसपास आ रहा है तो उनका आरआरबी अहमदाबाद में पीटी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। तो ये आपका आरआरबी चंडीगढ़ है। तो आरआरबी चंडीगढ़ में टोटल नंबर ऑफ सीट जो है आपका 7832 है और इनका 3 गुना सिलेक्शन लेना है पीटी में। तो इस हिसाब से हम लोग कटअप देख लें तो आरआरबी का जनरल का जो है कटअप आपका 53 के आसपास रहने वाला है, ओबीसी का 50, एससी का 47 और एसटी का 45 के आसपास रहने जा रहा है। और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की बात कर लें तो इनमें 40 रहने की संभावना है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जोन की ओर। तो नेक्स्ट जोन है आपका आरआरबी सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में टोटल नंबर ऑफ सीट है 6523 और तो इसमें आपका जनरल का जो है कटअप रहने की संभावना है वो आपका 52, ओबीसी का 50, एससी का 47 और एसटी का 45 और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन का 38 के आसपास रहने की संभावना है। ये आपका आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड का जो है कटअप है। पिछला बार जो है सिकंदराबाद का बहुत हाई कटअप गया था, वैसा नहीं होने वाला है दोस्तों। इस बार जो है आपका अलग पैटर्न, सब कुछ अलग है, सब कुछ बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है एग्जाम। तो इसके कारण से इसमें आपको कटअप हाई जाने की किसी भी जोन की संभावना नहीं है। आप किसी भी जोन से बिलोंग करते हैं तो भी नहीं। दोस्तों नेक्स्ट जोन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जोन है आपका आरआरबी इलाहाबाद। आरआरबी इलाहाबाद में टोटल वैकेंसी है आपका 4762। तो जनरल की कटअप की यहाँ पर बात करें तो जनरल की कटअप आपका 56 के आसपास रहने वाला है, ओबीसी का 53, एससी का 50 और एसटी का 47 और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो उनका जो है 40 के आसपास रहने की संभावना है। नेक्स्ट जोन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जोन है आपका आरआरबी चेन्नई। आरआरबी चेन्नई में टोटल नंबर वैकेंसी है 2979। तो इसमें आप कटअप की बात कर लें तो जनरल का कटअप है जो 53 के आसपास रहने जा रहा है, ओबीसी का 50 और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन का 38, एससी का 47 और एसटी का 45 के आसपास रहने की संभावना है। दोस्तों इसमें आप एक दो मार्क्स ऊपर या एक ऊपर कर सकते हैं या फिर एक आ मार्क्स नीचे कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वेरिएशन इस कटअप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपका एक्यूरेट कटअप है। तो आंसर की आने के बाद यदि आपका इस कटअप से मैच कर रहा है तो आप जो है पीटी के लिए सिलेक्ट हो जाइएगा। आप चिंता ना करें और आप पीटी का प्रिपरेशन करें। इसके बाद आपको आंसर के आने के बाद, आंसर आने में 1 महीना का डेट है, उस 1 महीने में आप पीटी का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप में ये जुनून होना चाहिए और आप जो है 1-2 दिन में क्लियर नहीं कीजिएगा, आंसर की के बाद आपको 10 से 15 दिन से ज़्यादा पीटी के लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए अभी से इतना मार्क्स आ रहे हैं आंसर के आने के बाद तो आप जो है ज़रूर पीटी का प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। नेक्स्ट है आपका दोस्तों आरआरबी गोरखपुर। आरआरबी गोरखपुर में टोटल नंबर वैकेंसी की बात करें तो 2328 है। तो जनरल का कटअप यहाँ पर 50 रहने की संभावना है, ओबीसी का 47, एससी का 45 और एसटी का 43 और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन का 40 रहने की संभावना है। अब हम लोग अगले जोन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जोन है आपका आरआरबी बेंगलोर। आरआरबी बेंगलोर में टोटल वैकेंसी 2293 है। जनरल के कटअप की बात कर लें तो
57, ओबीसी का 55, एससी का 52 और एसटी का 47 और फिजिकल हैंडीकैप का 40 के आसपास रहने की संभावना है। आगे हम लोग बढ़ देते हैं। तो यानी दोस्तों हम लोगों ने पूरा जोन का डिस्कस जोन को डिस्कस किया और बाकी बच गए हैं जोन, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।